नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों जो अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, छोटा हाथी देख सकते हैं यहाँ पर डुमरखा गांव के पास हाईवे है जो फ्लाईओवर के ऊपर बैलेंस बिगड़ने के कारण ये छोटा हाथी है ये यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो ड्राइवर था उसको भी थोड़ी चोट आई है। तस्वीरें दिखाएंगे, फिलहाल एक बार छोटा हाथी की तस्वीरें दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। डुमरखा गांव के पास की ये तस्वीरें दिखाई जा रही है, छोटा हाथी जो एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है और इसमें दो व्यक्ति सवार थे, एक व्यक्ति के हाथ में चोट लगी है और बताया जा रहा है कि टावर लगाने वाले हैं ये व्यक्ति जो सामान लेके जा रहे थे, रास्ते में अचानक अनबैलेंस हुआ जिसके कारण से ये हादसा हुआ। हादसे की पूरी तस्वीरें भाई कोई बात नहीं दोस्तों। जो इसके अंदर दो व्यक्ति सवार थे, गोहाना से नरवाना जा रहे थे, टावर का सामान था लेकिन सेफ है, थोड़ी चोट आई है। टावर का सामान आप देख सकते हैं, डुमरखा गांव के पास जो फ्लाईओवर है वहां पर एक छोटा हाथी अनबैलेंस होने के कारण से क्षतिग्रस्त हुआ है और टावर का सामान इसके अंदर था जो बताया जा रहा है, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे और वो सेफ है लेकिन जो छोटा हाथी है इसका नुकसान हुआ है, बाकी जो इसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति वो बिल्कुल सेफ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की उनसे लेकिन कैमरे के सामने आने से उन्होंने मना कर दिया। फिलहाल एक बार तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ छोटा हाथी की। एनजी न्यूज की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, गांव डुमरखा के पास एक छोटा हाथी एक्सीडेंट के कारण जो क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामान इसके अंदर टावर का सामान होता है, जो टावर लगाने वाले होते हैं वो टावर लगाते हैं, लेकिन सामान लेके जा रहे थे गोहाना से नरवाना, अचानक अनबैलेंस हुआ जिसके कारण से ये हादसा हुआ है पूरा। भाई जो दो व्यक्ति थे उन्हें से हमने बात भी करी है, बिल्कुल सेफ है वो, लेकिन नुकसान इनका काफ़ी हुआ है, छोटा हाथी का और जो सामान था उसका भी हुआ है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनजी न्यूज़ की रिपोर्ट दिखाई जा रही है डुमरखा गांव के पास। धन्यवाद।